चलो हम बात करते हैं आज हम। हेलो, थोड़ा जी म्यूट रखो, इको स्टार्ट हो जाती है, रिकॉर्डिंग में सबको डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, सारे लोग म्यूट रखना प्लीज यार। क्वेश्चंस मैं सबके लूंगा और क्वेश्चन लिखते रहना। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक कराऊंगा जिस टॉपिक को अलग से कराने के लोग वास्तु के अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। अभी मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग में, वास्तु के देवताज पढ़ाने के लिए वो अच्छा खासा चार्ज कर रहे थे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं देवताज की। हमारे कितने देवता बताए गए हैं वास्तु पुरुष मंडल में जो हमारे घर में वास करते हैं? 45। 45 देवता, ठीक है, 45 देवता बताए गए हैं। 45 देवता घर में वास करते हैं और इन सब देवताओं का अपना अपना बड़ा जबरदस्त रोल होता है। ठीक है, इन सब देवताओं का अपना अपना बड़ा जबरदस्त रोल होता है। देवता 45 देवतास, देवतास। तो इन सब में जो सबसे पहले देवता होते हैं वो होते हैं सेंटर में घर के में ब्रह्मा। ब्रह्मा आपका जो वो क्या कहते हैं चक्र है, जो शक्ति चक्र मैंने दिया उसमें भी ब्रह्मा होंगे सबसे पहले ना, ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा। और जो ब्रह्मा का ही एरिया होता है दैट इज बीइंग कॉल्ड ब्रह्म स्थान, दैट इज बीइंग कॉल्ड ब्रह्म स्थान। तो पहले हम ब्रह्म स्थान को ही देख लें, ब्रह्म स्थान पे डिस्कशन कर लें जिस पे लोग यूजुअली कराते नहीं है डिस्कशन। थोड़ा बहुत बता दिया क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस भी कम नहीं आए थे। पूजा, आप मेरे को आवाज आ रही है आपको? पूजा, कैन यू हियर मी? पूजा जी, मुझे आवाज आ रही है? हेलो, मुझे आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप प्लीज जिसको ज्वाइन करवाना करवा दो, अदरवाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने फ्लो में। ठीक है बेटा, चलो। बेसिकली ब्रह्म स्थान को माना गया है आपके घर का सेंटर, आपके घर का सेंटर। अब कुछ लोगों को इस सेंटर पॉइंट में बड़ा भारी कंफ्यूजन होता है, कुछ लोगों को इस सेंटर पॉइंट में बड़ा भारी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं सिर्फ ब्रह्म स्थान एक सेंटर पॉइंट है। मेनी पीपल कंसिडर दैट इट्स ए सेंटर पॉइंट ओनली। रुद्रा जी कहाँ गए हो, कहाँ घूम रहे हो? कृष्ण कुमार जी 5 मिनट लेट क्यों रहते हो आप हर बार? नेट जय मामा भाई, क्यों लेट रहते हो आप? पांच मिनट में ऐसा प्रॉब्लम क्या बच जाएगा यार, सारे लोग वेट कर रहे होते हैं और मैंने जो बता दिया 5 मिनट का वो आपकी रिदम नहीं बनेगी, लास्ट में कहोगे हमारी समझ में नहीं आया। आपको 5 मिनट पहले ज्वाइन करना चाहिए सबको। अभी भी देखो बहुत सारे लोग नहीं हो, आराम से धीरे 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 आएंगे, है ना? पहले ज्वाइन किया करो। अब इस ब्रह्म स्थान में बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट करते हैं लोग, समझते हैं कि ब्रह्म स्थान मीन्स ये सिर्फ एक सेंटर पॉइंट। इज इट ए सेंटर पॉइंट? इज इट ए सेंटर पॉइंट? इज इट ए पॉइंट ओनली? हाँ, ये पॉइंट है। हाँ जी, पीपल आर सेइंग दैट इट्स ए पॉइंट ओनली। मैंने आपको शेयर नहीं की स्क्रीन में, वैसे ही उस पर पॉइंट बना रहा था। पीपल आर सेइंग दैट इज इट ए पॉइंट ओनली। क्या होगा ये देवव्रती जी? सर वो आपने कहा था 11% होता है टोटल। एग्जैक्टली, इट इज द 11% ऑफ योर हाउस। अगर आपका कोई 100 स्क्वेयर यार्ड्स का घर है तो उसमें 11 स्क्वेयर यार्ड्स, जो सेंटर के 11 स्क्वेयर यार्ड्स होंगे वो आपका ब्रह्म स्थान होगा। वो आपका ब्रह्म स्थान होगा, ठीक है, वो आपका ब्रह्म स्थान होगा। अब इस ब्रह्म स्थान की एक खास बात और बताता हूं। ब्रह्म स्थान इज लाइक ए स्टमक, पेट होता है, यहीं से सारी एनर्जी फील्ड्स निकलती हैं, यहीं से सारी एनर्जी फील्ड्स निकलती है।
कभी सुना है आपने कि अगर पेट ठीक आदमी का तो सब कुछ ठीक? सुना है कि पेट ठीक रहता है तो सब कुछ ठीक रहता है, स्टमक खराब है, स्टमक अपसेट है तो फिर तो यार कुछ भी ठीक रहेगा ही नहीं, है ना? गलत बोल रहा हूँ राणा साहब, बिल्कुल है सही। ना? स्टमक खराब तो सब खराब, ठीक है लूथरा जी, गलत तो नहीं बोला मैंने कुछ? तो ये आपका सेंटर होता है, ये आपका स्टमक होता है, ठीक है? ये आपको बहुत सारी डिजीज से बचाता है, ठीक है लूथरा जी, ये बहुत सारी डिजीज से आपको बचाता है। जिसके घर का ब्रह्म स्थान हो के उसके घर में बहुत सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अगर ब्रह्म स्थान बिगड़ा बिगड़ा, बेसिकली जो 45 देवता होते हैं वो वहीं से जनरेट होते हैं, जो 45 एनर्जीज होती हैं वो वहीं से निकलती हैं। अगर वो स्थान ही बेकार हो गया तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है? ये कोर कोर एरिया होता है। अब ब्रह्म स्थान को देखोगे कैसे, ब्रह्म स्थान को कैसे मानोगे, क्या होता है ब्रह्म स्थान? अब मुझे एक छोटी सी चीज ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने सुना है कि ब्रह्म स्थान पर दीवार नहीं होनी चाहिए? देवव्रती ने सुना है, और एनीवन एल्स? आपसे हाँ मेरे से ही सुना है, तूने कहीं और पहले सुना स्टडी नहीं की ना, इसलिए मेरे से ही सुना है। कृष्ण कुमार जी क्या कहना चाह रहे हो, अनम्यूट करो, बोलो। आपने भी सुना है ब्रह्म स्थान में कि होना नहीं चाहिए, पर आपने बोला था हो जाए तो ब्रह्मस्थान अपने आप को बचा लेता है, कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो नहीं, पाती। मैं अब आपको वही डीप में बताऊंगा ना, विमल जी नागर जी ने भी किया। अब देखो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल देवता के थाल की हेल्प लेते हैं। क्लियर है तेरे को? चाय बना रही है क्या? मैं चाय पीऊंगा, एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है थोड़ा सा आज ना। देख पा रहे हो आप ये गूगल पे जो मैंने सर्च किया है, जी देख नहीं पा रहे जी हो? देख देख पा रहे हो ना? हाँ। अब आप इस पे देखो कि जितनी भी इमेजेस आ रही हैं, एनी इमेज, ये देख रहे हो, ये देखो कोई भी देख लो रैंडमली पिक करके, ये देखो ये वाली जो इमेज है, अगर हम इस पे भी देखते हैं, आएगा तो इस पे पेन चलेगा नहीं चलेगा? हाँ सेव करनी पड़ेगी। अगर हम इस पे देखेंगे, राइट क्लिक करूं, सेव इमेजेस, ठीक है इसको सेव कर दो। ओपन कहाँ से होगी, यहीं से ओपन कर लिया, ठीक है। अब आप यही देखो, यही इमेज पे देखो, एक रैंडम हमने पिक किया था, बहुत बहुत ठीक है, बट हमने रैंडम पिक किया है तो इसमें भी आप देखोगे ना कि ये सेंटर जो पॉइंट है यहाँ पे एक वॉल आ गई है, आ गई है ना? हाँ जी। दूसरा कोई भी प्लान आप उठा के देख लो, देखो यहां से अगर आप सेंटर लगाओगे तो इसमें भी यहाँ पे इस जोन में वॉल आ रही है। कोई भी घर पकड़ोगे आप, ये वाला एक पकड़ लो, मैक्सिमम घरों में आप कहीं भी जाओगे तो मैक्सिमम घरों में आपको ये दीवार मिलेगी, आपको ये दीवार मिलेगी ही मिलेगी। आप एक सिंपल सा थोड़ा सा दिमाग भी लगा के देखना कि भाई सिंपल सा फंडा एक ये है कि अगर कोई भी गुड़गांव दिल्ली ऐसे शहरों में बड़ा सा घर खरीदता है तो अगर उस बड़े से घर में 11%, आप समझो 2000 स्क्वायर फीट का घर किसी बंदे ने लिया, किसी बंदे ने 2000 स्क्वायर फीट का घर लिया, किसी बंदे ने 2000 स्क्वायर फीट का घर लिया, तो क्या उसमें वो 200 स्क्वायर फीट सेंटर के खाली छोड़ देगा? राणा साहब एक नॉर्मल घर में 200 स्क्वायर फीट का तो कोई कमरा भी नहीं होता, इतनी जगह वो खाली क्यों छोड़ देगा? ये सबसे बड़ा मिथ चलता है कि दीवार नहीं होनी चाहिए ब्रह्म स्थान में। आप किसी भी घर का 11% पकड़ के देख लीजिएगा, दीवार हर घर के ब्रह्म स्थान में आएगी ही आएगी, ठीक है?
लूथरा जी खाना वाना पहले खा लिया करो, या बना रहे थे? ठीक है, अब जो 11% आपका घर होता है, घर का जो ये ब्रह्म स्थान होता है, इस ब्रह्म स्थान के पास ही मर्म स्थान आते हैं। जब मैं उन मर्म स्थान को पढ़ाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी कि मर्म स्थान पे दीवार नहीं आनी चाहिए, मर्म स्थान पे कुछ भी नहीं आना चाहिए, और मर्म स्थान पूरे घर में होते हैं, सबसे ज्यादा सेंटर पॉइंट के आसपास होते हैं। एक सेकंड ना, मैं इसको सीधा कर लूं। ठीक है, तो मर्म स्थान के पास कोई भी दीवार, कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। दीवार आएगी ही आएगी ब्रह्म स्थान में, इसका कोई रोक नहीं सकता कोई भी इसको, ना, दीवार तो आपकी आएगी ही आएगी। ब्रह्मा क्रिएटर, जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी, जिसने पूरी सृष्टि को, अमन कैमरा ऑन रखो अगर कर सकते हो तो, जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी। अब क्या होता है जब उन्होंने सृष्टि की रचना करी? ठीक है, सबसे पहले इसके कलर को समझते हैं। कलर कौन सा होता है ब्रह्मा जी का? अपना अपना वो देखो, ग्रिड गोल कलर कौन सा है इसमें? येलो येलो। येलो सर। इसका कलर होता है गोल्डन येलो, येलो या गोल्डन येलो। जो इस जोन की एनर्जी होती है, उस जोन की एनर्जी को गोल्डन येलो ही कहते हैं। किसी भी चीज की जब उत्पत्ति होती है, एक चीज मुझे बस ये बता दो, बिमल नागर जी और अमन सिन्हा जी, आप दोनों सुन पा रहे हो ना मुझे? अमन सर सिन्हा, यस बिमल सर नागर सुन जी, रहे आप हैं। सुन पा रहे हैं? ठीक है, ओके, ठीक है, गोट योर पॉइंट। तो जो इस एरिया की एनर्जी होती है, दैट इज गोल्डन येलो। कोई भी चीज जब क्रिएट हो रही होती है, इसको याद करने का, समझने का तरीका देखो, कोई भी चीज जब क्रिएट हो रही होती है तो उस समय पे उसकी जो एनर्जी, उसका जो कलर होता है, दैट इज येलो और गोल्डन येलो। कोई भी अंडा देख लो उठा के, किसी भी जानवर का देख लो, इवन इंसान का भी, जब एक्स एंड वाई या एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं मेल फीमेल के, उस टाइम पे उसकी एनर्जी गूगल करके देख लेना, उसकी जो का जो जो कलर होता है, दैट इज येलो और गोल्डन येलो। ठीक है, क्रिएटर, जहां से क्रिएशन होती है, पूरा साइंटिफिक है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह एवरीथिंग इज साइंटिफिक। एक पानी का रंग नीला होता है ना, जहां हमारे घर में जल तत्व हो नीला, तभी तो हमने पकड़ा है ना। और अग्नि का लाल होता है या पीला होता है? साक्षी कौन सा कलर होता है? केमिस्ट्री पढ़ी है ना तूने? तो फ्लेम येलो होता है, लेकिन वैसे कोर में तो रेडी होता है। बस कोर की बात करें, फ्लेम तो येलो हो गई होगा। ठीक है जी, दैट इज द कलर ऑफ जो जो सेंटर पॉइंट होता है, दैट इज गोल्डन येलो। ये क्रिएटर होता है जब हर टाइम, जो जो बेसिकली जहां से चीजें क्रिएट होती हैं। अब जो ब्रह्मा जी होते हैं, वो कौन से प्लेनेट के देवता होते हैं? जुपिटर करुणा जी बताएंगी, आपने गलत बताया राणा साहब। जुपिटर अरे जुपिटर ही तो बताया उन्होंने भी। कृष्ण कुमार जी कौन सा होता है? अच्छा, गुरु जुपिटर। चलो यार, याद तो है तुम सबको, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक ठाक है। ठीक है, सही बोल रहे हो राणा साहब, आप भी हो सर जुपिटर। अब आप किसी भी प्लेनेट को देखो, जुपिटर के साथ रिलेशनशिप, कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं होता जो जुपिटर के सामने बोलता हो, सन सब दोस्त है, सब दोस्त होते हैं, राहु जुपिटर के सामने चुप हो जाता है, हाथी भी जब शैतानी करता है ना, उस पर हल्दी बराबर डाल दी जाती है, याद है वो कौन सी मूवी थी? बाहुबली, बाहुबली देखी वही साक्षी? बराबर है। हाथी जब शैतानी कर रहा होता है, हल्दी डाल दो, शांत हो जाता है। शनि जुपिटर के सामने बोलता नहीं है, चुप हो जाता है। केतु कहता है मैं तो तेरा ही चेला हूं। एक प्लेनेट ऐसा है जो सबसे ज्यादा शैतानी करता है, जो जुपिटर को, जिसके आगे जुपिटर नहीं बोलता है,
कौन सा प्लेनेट है कोई बता सकता है? एनी गेसेस? राहु, मंगल, वीनस, राहु, राहु राहु तो शांत रहता है सर, जुपिटर के सामने डरता है। मंगल है, मंगल है सर, शनि, मून, चंद्रमा, कंचन, इंदुजा जी, कौन सा प्लेनेट होता है? वीनस। वो प्लेनेट होता है जी आपका बुध, मरकरी। केसर जब आता है ना, केसर जब आता है एक कांच की शीशी में, तो वो जुपिटर को बुध कैद करने का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है। एक बंद मटका, खाली मटका, हवा होती है उसके अंदर और मटका होता है बुध, जुपिटर को कैद रखता है, सबसे बड़ा शत्रु जो सबसे बड़ा डैमेज पहुंचाता है। ठीक है, ये इतनी एक्सरसाइज, इतना दिमाग लगाने का मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति के घर के सेंटर पॉइंट में या तो बुध का कलर आ जाएगा या बुध की का समान आ जाएगा, वो बंदा गया, वो बंदा गया। आज क्लास थोड़ी छोटी भी करूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा काम चल रहा है मेरा अभी, वो दशहरे के चक्कर में बहुत ज्यादा हालत खराब चल रही है। ठीक है जी, ठीक है। अगर सेंटर में किसी के भी घर में या तो फर्श पे हरा रंग आ जाए, कोई ग्रीन कलर की टाइल लगवा रखी है, ग्रीन कलर का मैट डाल रखा है, या सेंटर में ग्रीन कलर की चीजें आ जाएं, जैसे कि प्रिंटर रख दिया, फोटोकॉपियर रख दिया, बुक्स रख दी, मरकरी का कोई भी सामान, स्टेशनरी का आइटम रख दिया। लोथरा जी, मरकरी का जो जो सामान होता है वो देख लेना अपने नोट्स में, आपको दिए थे मैंने नोट्स, ठीक है सर? ठीक है, ठीक है जी। ये मरकरी का, ये जुपिटर का और ब्रह्मस्थान का फैक्टर सबसे बड़ा हावी होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस। मतलब सेंटर में किताबें नहीं रखनी चाहिए, बुक्स नहीं रखनी चाहिए सेंटर में, बुक्स नहीं सर, नहीं। बुक्स को अगर कोई पढ़ता रहे तो देखो वो जुपिटर कहलाती है, स्टेशनरी आइटम होता है बेसिकली। बुक्स की बात नहीं कर रहा मैं, स्टेशनरी आइटम्स की बात कर रहा हूँ। हे राम, चलो थोड़ा सा और बताते हैं आपको। लूथरा जी, ये हमारा ये कोई घर है, इसके सेंटर में या ब्रह्मस्थान हो गया, ब्रह्मस्थान, यहीं से एनर्जी निकलेंगी पूरी 45 हर डायरेक्शन में, सही बोल रहा हूं? देख पा रहे हो आप? हाँ जी जी गुरु जी, दिख रहा। अगर ये ही आपका दूषित हो जाएगा, ये अगर आपका दूषित हो जाएगा तो क्या ये पूरे घर की एनर्जी इसको खराब नहीं करेगा? सपोज आप ऐसे देखो, गुड़गांव में जो स्टेशन बूस्टर है अपना, बसई, जो जो वाटर बूस्टर है जहां से पानी आता है, ये वाटर का टैंक है, अगर इसी वाटर टैंक को कोई खराब कर देगा, इसके अंदर कुछ मिला देगा, इफ इट इज एनजी, तो आगे क्या होने वाला है? आगे तो पूरे शहर में गंदा पानी ही जाएगा। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? हाँ, साक्षी, गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही बोल रहा। इसको ढक देना फिर, ये खराब। हाँ जी, खराब हो जाएगा ना। जी
भाई एक नदी है जो भाखड़ा नंगल डैम से, वहां से कनाल निकल रही है चार पांच, अगर वो कनाल ही खराब हो जाए, वो डैम का पानी ही खराब हो जाएगा, तो फिर तो पूरी कनाल खराब है ना, फिर तो जितनी कनाल आ रही है सारी खराब हो जाएंगी ना। ऐसे ही सारी एनर्जीज को खराब करता है। अगर आपके घर के सेंटर में टॉयलेट आ गया तो क्या करोगे? जान निकाल देगा घर वालों की। ठीक है, ब्रह्म स्थान में ट्रीटमेंट आप अगर किसी भी बड़े से बड़े वास्तु एक्सपर्ट के पास जाओगे तो वो मना करते हैं। नाभि का ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि ब्रह्म स्थान में दो चीजें हो सकती हैं कि या तो इस टॉयलेट को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दो ब्रह्म स्थान वाले को, या वो घर छोड़ दो। इसका एक ऑप्शन और भी हो सकता है, लोग कर सकते हैं वैसे, ये भी ना करते हैं लोग बेसिकली, ट्रीटमेंट में लिखा भी हुआ है कि आप चाहो तो इसको ब्रास की स्ट्रिप से काट भी सकते हो जैसे ट्रीटमेंट मैंने समझाया था ना, ब्रास की स्ट्रिप से। बट अगर उसकी चपेट में घर का कोई मर्म स्थान आ गया तो भैया फिर पता नहीं बंदा कहाँ कहाँ से कटेगा, क्या क्या होगा, थोड़ा सा रिस्की है। इसीलिए कभी भी जो मर्म स्थान, जब मैं पढ़ाऊंगा मर्म स्थान के एरिया में ट्रीटमेंट करो, क्योंकि मर्म स्थान के एरिया क्या होता है राणा साहब ना, ये रिजल्ट देते हैं चुटकियों में, मतलब ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद आएगा, वो तभी देते हैं कि 1-2 दिन में। तो हम ऐसे ही मर्म स्थान की सर्जरी कराते हैं संडे वगैरह के दिन, जब बंदे लगभग घर रहते हैं, कोशिश करते हैं अवॉइड करने की। और ठीक है, एटलीस्ट जो टॉयलेट आ जाए सेंटर में किसी का, उस टॉयलेट को तो बंद तो करा ही दो यार, उसको यूज तो एटलीस्ट ना करें, सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। वैसे इससे आराम वाराम मिलेगा नहीं, उसको बोलो निकाल के फेंकना है तो मतलब फेंकना है, कर भी सकते हो वैसे चाहो तो, ये ना स्ट्रिप से काट सकते हो। ठीक है,